बनानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बनानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ। आग लगा है, आग लगा है। केंद्र भारत में हसदेव अरण्य देश के सबसे बड़े घने जंगलों में से है। 2011 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में यहाँ कोयला खनन के लिए अनुमति दी जाती है। परसा ईस्ट के टेबासन ब्लॉक में अडानी कंपनी के बुलडोज़र चलने लगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से कोयला राजस्थान के घरों में बिजली पहुँचाएगा। जी अब क्या है लोकल लड़ाई तो अब 10 साल मतलब हो ही गया, प्लस ये है हमारे जो बचाने की उद्देश्य ये है कि हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, और दूसरी चीज ये है कि हमारी संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम यहाँ से अगर उजड़ जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी जो है पूरे मतलब बिखर जाएगी। अस्तित्व की लड़ाई। और तीसरा जो है भारत का जो एक फेफड़ा कहे जाने वाला ये छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य है, अगर वो उजड़ जाएगी तो हमें तो नहीं लेकिन पूरा भारत को नुकसान होगा। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लिए और हमारे गांव को बचाने के लिए ही नहीं, पूरे जीव जंतु पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो सांस लेने के लिए जो हैं उनके लिए हम इस जंगल को बचाने के लिए बाध्य हैं और 10 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं। बांधे अपना बोरा बिस्तर लोहा लांगर, चले जाए अपना देश, नहीं जाएगा तो काट देंगे रेल का पहिया, हम हैं आदिवासी मारेंगे 4 लाठी। जवाब नहीं दें से बक्त हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं भूपेश जी। फेफड़ा 170,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसकी। मध्य भारत का सबसे समृद्ध वन परिक्षेत्र है ये। अडानी को आपकी कांग्रेस सरकार ने ही तो जंगल उजाड़ने और कोयला खोदने के लिए अनुमति दी है ना। जंगल कटा तो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा छलनी छलनी हो जाएगा, बांध का पानी सूख जाएगा, खेत खलिहान बंजर हो जाएंगे। कोरबा, चांपा, जांजगीर, शक्ति जिला के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और इस जिले का जनजीवन समाप्त हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी अडानी से दोस्ती निभाने और बिट्टू पप्पू दामाद की झोली भरने के लालच में। छत्तीसगढ़ की जनता पप्पू बाबा और आपके दोहरे चरित्र, लालच, भ्रष्टाचार और बदनीयती को जान चुकी है और समझ चुकी है। इस बार वे छत्तीसगढ़ के सौदागरों को भगाने का निर्णय ले चुकी है। Our top story is the Chhattisgarh shocker and what's being described as the biggest political shocker, proving all pre-poll and exit poll predictions wrong. The BJP trounced Bhupesh Baghel led Congress government in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, क्या फैसले होंगे जब सरकार आपकी शपथ ले लेंगे उसके बाद? बड़ी जवाबदारी तो है, कहें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा प्रदेश को खोखला करके रखा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में हम लोग कामयाब होंगे और जो भी मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं एक एक वादा पूरा करेंगे। नई सरकार आते ही पुराने वादे टूटे। राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 2 हफ्तों में हसदेव के गांवों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 58 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर जमीन में फैले 15,000 बड़े वृक्ष काटे गए।
पूरे राज्य में उभर रहे प्रतिरोध को दबाने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई, पुलिस के डंडे बरसे। मतलब जब लोगों को उठाते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि ये अभी किस हालात में है। अभी सो के उठा है, मतलब आदमी सोता ऐसे नॉर्मली सोता है, कोई कपड़ा पड़ा पूरा पहना नहीं रहता है, हाफ में रहता है, उसी में वो चप्पल पहना है, पूरा कपड़ा पहना है, वो नहीं देखते। वो सीधा जबरदस्ती उठाए पकड़े गाड़ी में जबरदस्ती ढकेलते हैं और ले जाते हैं। भाई कम से कम उसको कपड़ा तो पहनने दो। अरे एक बार उनके माता पिता लोग को तो बताने दो कि मेरे को क्यों ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। कोई गुंडा, कोई मवाली या फिर डॉन थोड़ी है जिसको तुम कई वर्षों से ढूंढ रहे हो। महिला को भी उठाए, महिला पुरुष सबको, जिसको लगता है कि इसके रहने से यहाँ पर कुछ हो सकता है, वो जिसको लगता है उसको उठा लेते हैं। मतलब जो व्यक्ति बोलता है वो जानते हैं कि ये बोलता है ये कुछ करा सकता है, लोगों को एकत्रित कर सकता है, संगठित करके हमको विरोध कर सकता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिसको जिसको लगता है वो उठा लेता है। बढ़िया से सुबह नहीं हो पाया है और एकदम से आके पकड़ रहे हैं, सो के उठे नहीं है वैसे ही। हम लोग इस रास्ते से ऐसे निकल करके ऐसे जंगल के रास्ते से हम लोग वहाँ धरना पे गए और वहाँ इकट्ठे हुए। फिर वहाँ से हम लोग जा रहे थे वहीं पेड़ जहाँ काट रहे थे वहीं पे, तो फिर वहाँ भी नहीं जाने दे रहे थे हम लोग को। तो हम लोग जो टांगी पकड़े थे, हेसा पकड़े थे, तो उसी को ऐसे घुमाते घुमाते फिर थोड़ा पार हुए हम लोग। तो फिर वहाँ से फिर पता चला कि नहीं आने दे रहे हैं और एकदम मारपीट हो रहा है ऐसे करके। तो फिर वहाँ से हम लोग सोचे कैसे जाएं, और थोड़े आधे साथी लोग नहीं आए थे, तो फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर धरना पे बैठे, फिर वहाँ से धरना में बैठ करके हम लोग विचार लगाए, और हमारे जो मुख्य साथी थे उन लोग को तो ले गए हैं, तो कैसे करें ऐसे करके। कौन लड़ेगा? आदिवासी विस्थापन के खिलाफ कौन लड़ेगा? भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो जल जंगल जमीन है उसको बचाएंगे तभी तो आप लोग भी रहोगे। जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ से रह पाओगे? उसी में शुद्ध हवा मिलता है, उसी में पानी मिलता है। जब यहाँ का हसदे जंगल कट जाएगा तो नदी जो 12 मास चलता है वो भी सूख जाएगा, मांगोबिनी डैम बोलते हैं वो भी सूख जाएगा, जो जांजगीर चांपा में हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये वो जंगल है जो एक तरीके से तो कई महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ के इलाके को जोड़ता है, जैसे कि आपका कान्हा का जो नेशनल पार्क है, झारखंड का आपका पलामू टाइगर रिजर्व है, तो ये तमाम जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बीच का ये कॉरिडोर है। और इसकी समृद्धता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2021 में भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 9 यहाँ पे जो मैमल्स हैं शेड्यूल 1 के हैं, जिसमें स्लॉट बियर है, एलिफेंट है, उनका ये हैबिटेट और कॉरिडोर है। करीब 68 के आसपास ऐसी चिड़ियाँ हैं जिसमें बहुत सारी जो है वो संकट ग्रस्त सूची में शामिल हैं। 150 से ऊपर ऐसी वनस्पति हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तो बहुत ही एक समृद्ध फॉरेस्ट इलाका ये रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है कि यदि हसदेव का जंगल खत्म हुआ तो हसदेव नदी खत्म हो जाएगी, उस पर बना बांगो बांध खत्म होगा, और जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट छत्तीसगढ़ में इतना व्यापक हो जाएगा कि फिर आप कभी इसे संभाल नहीं सकते। और इन सबसे जो बड़ा सवाल है वो है यहाँ के आदिवासी, क्योंकि जो आप देश के मैप को उठाइए तो भाई जहाँ जंगल है वहीं खनिज है और वहीं आदिवासी है, जंगल वहीं बचा जहाँ आदिवासी है। और इस जंगल को कई पीढ़ियों से वहाँ के रहने वाले आदिवासी और अन्य परंपरागत वन्यवासी समुदाय है वो इसको बचा के रखा है।
और अभी तो फिलहाल क्या बोलते हैं, एक भालू था वो भी एक घर में मतलब छुआ को जन्म दिए थे, तो पूरा नष्ट हो जाएगा तो कहाँ घर में तो जाएंगे। जो मजदूर थे तो वो बोलते हैं जब पेड़ गिरता था भाई तो उसमें कई सारे पक्षियों का घोंसला रहता था, गिर जाता है तो उनको भी देख करके बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, पूरा पशु पक्षी सभी चीज का घर उजड़ रहा है। और जो हमारे संस्कृति कार्यक्रम होता है तो कर्मा का त्यौहार मनाते हैं तो जंगल से लाते हैं, तो कर्मी का पेड़ होता है उसको कर्म देव मानते हैं हम लोग, उसको लाते हैं, और चिल्ही होता है उसको भी लाते हैं, तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा तो कहाँ से हम लोग लाएंगे। आदिवासीला पाटा दादा आदिवासीला मावा पाटारा, मुल्लुवासीला पाटा दादा मुल्लुवासीला मावा पाटारा, जल जंगल जमीन वेन्ने मावा यांदू दादा मावारा, जल जंगल जमीन वेन्ने मावा यांदू दादा मावारा, रे लो यो रे ला रे ला रे रे लो यो रे ला रे चलेगी, फंसे जंगल को काटने की साजिश नहीं चलेगी। धन्यवाद साथियों, मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा है और बोले में काम नहीं है, मुझे लगता है कि सड़क में जाए से काम हुई। ये अडानी का विकास है और सब आदिवासियों का विनाश है। आप चारों तरफ देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आप मणिपुर का देखिए, आप पूरे देश के अंदर झांक करके देखिए कि पूरा आदिवासियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। पहले अपने घर का बिजली पंखा कूलर एसी बंद करें, उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थे नहीं ये तो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, राजस्थान की जनता के लिए। तो यदि देश को कोयला ऊर्जा चाहिए नहीं चाहिए देश तय कर ले। राजस्थान के 4,340 मेगावाट के पावर प्लांट हसदेव से लिंक है, उसके अलावा उनके पास 3,3200 मेगावाट और है थर्मल पे, फिर उनके यहाँ यूज में सोलर एनर्जी है ना, उससे कितनी बिजली जनरेट करे उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बताते नहीं। देश में सबसे ज्यादा जो सोलर कैपेसिटी है वो राजस्थान में 4,340 मेगावाट का, अगर प्लांट लोड फैक्टर आप 60% लेंगे एवरेज, तो आपको कितना कोयला लगने वाला है, आपको कोयला मुश्किल से 15 मिलियन टन लगेगा साल का, अकेले पीईक्यूवी का प्रोडक्शन ही 21 मिलियन टन कर रखे। और उसके बाद बोलते हैं कि हमको पारसा चाहिए 6 मिलियन टन, उसके बाद हमको केते एक्सटेंशन चाहिए 9 मिलियन टन, तो ये कोयले का क्या करने वाले, इसका जवाब कोई नहीं। फिर ये 4,340 मेगावाट का जो इनका लिंक प्लांट है, ये अगर कोल इंडिया से कोयला लेगा, तो मैंने टैरिफ पिटीशन आपके साथ शेयर की है 17-18 की, उस टैरिफ पिटीशन में इन्होंने खुद बताया है कि जो डोमेस्टिक मतलब कोल इंडिया का कोल है वो इनके पास सस्ते में पहुंच रहा है, कम पैसे में पहुंच रहा है, सेम ग्रेड कोल, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी है, और वही कोयला अपनी खदान से जो इन्होंने अडानी को सौंप दी है महंगे में पहुंच रहा है। तो ये तो मतलब फ्रॉड है कि पॉलिसी ये थी कि भाई एपीएसयू को सस्ते में कोयला मिलेगा, आप देखेंगे तो 3600 रुपए में कोयला पहुंच रहा है पर टन कोल इंडिया का, और 3900 रुपए में हो रहा है पीकेसीएल का। होना तो ये चाहिए कि जो 300-400 रुपए माइनिंग की कॉस्ट है उसमें कोयला आपको मिलना चाहिए था, और ट्रांसपोर्टिंग करके अधिकतम 3000 रुपए में। तो ये पूरा का पूरा ऑल बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ माइनिंग इंक्लूडिंग द अलेजेड सो कॉल्ड रिजेक्ट, जिसको इन्होंने 4000 किलो कैलोरी के नीचे को रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसके नीचे G12 G13 G17 तक सेलेबल कोल है, वो प्रोडक्शन का अप टू 29% अडानी लेके जा रहे। तो ये
पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो अगर किसी एक आदमी को फायदा पहुंचा रहा है तो वो है गौतम अडानी। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर हु हैड टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई गेट माई थ्रिल्स फ्रॉम हैंडलिंग चैलेंजेस एंड द बिगर दे आर द हैप्पियर आई एम। मनुष्य का जब पूरा जीवन ही समाप्त की कगार में पहुंच जाता है तो उस दौरान अपने संघर्ष में वो नहीं देखता है कि मैंने जिससे मैं लड़ रहा हूँ वो ताकतवर है या कमजोर है। सिर्फ उसमें सिर्फ उसमें ये दिखता है कि उस ताकत से मुझे लड़ के अपने आप को बचाना है। तो हमारा जो लड़ाई है अभी 13 साल का, वहाँ हम कंपनी को ताकतवर नहीं आंक रहे हैं क्योंकि भाई तुम लूट रहे हो ना, तो लूटने वाला एक मन छोटा होता है। हस्तियोंगढ़ जो इलाका है वो लगभग 1898 वर्ग किलोमीटर है, 22 कुल लोग जो मैंने बताया है। जब हम लोग पैदल चल रहे थे 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, तो सरकार के ऊपर भी काफी दबाव था, पूरा एक व्यापक नेशनल मीडिया भी उस पर लिख रहा था। उस दबाव के कारण ही सही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लेमलू एलिफेंट रिजर्व को नोटिफाई किया, क्योंकि एलिफेंट का ये हैबिटेट इलाका है और पहले भी हाथी रिजर्व बन रहा था 2007 में, लेकिन कोल माइनिंग के दबाव में, कंपनियों के दबाव में नहीं बना। राज्य सरकार ने उसको बढ़ाया 450 से 2000 किया और 2000 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफिकेशन इन्होंने हमारे यात्रा के बीच में ही, लगभग हमें याद है कि 10 या 11 तारीख को नोटिफाई कर दिया। तो वो नोटिफाई होने से एक फायदा ये हुआ कि जो 22 कोल ब्लॉक थे उनके 16 कोल ब्लॉक लेमलू हाथी रिजर्व के अंदर आ गए। तो रिजर्व के अंदर आने से जो 7 कोल ब्लॉक थे उसमें से पतुलिया लिकमुड़ी और मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक थे उसकी जो स्वीकृति की प्रक्रिया वो रुक गई। तो एक बड़ा इलाका कहीं ना कहीं हसदेव का सुरक्षित हुआ और वो आज भी, अभी जो सुरक्षित है आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन आज भी सुरक्षित है। वो पिछले सरकार की बड़ी कहीं ना कहीं एक लोगों के आंदोलन का सम्मान था कि चलिए हमने बड़ा हसदेव इलाका बचा दिया, और देखा जाए तो 95% इलाका उसके अंदर है हसदेव का। क्षेत्र जो कोयला का जो क्षेत्र है वो करीब 170,000 हेक्टेयर है और उसमें 23 कोल ब्लॉक है जिसमें टोटल जो कोयला है एस्टिमेटेड अनुमान लगाया गया है जो साइंटिफिक ढंग से वो है लगभग 1.4 बिलियन टन, मतलब 140 करोड़ टन। तो पूरी दुनिया में जो 493 जिसको हम कार्बन बॉम्ब बोलते हैं, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 100 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का पोटेंशियल है। तो हसदेव का जो कोल फील्ड है वो उससे काफी बड़ा है, मतलब दुनिया में जो कुछ चुनिंदा कार्बन बॉम्ब को आइडेंटिफाई किया गया है, हसदेव इज वन ऑफ दैट कार्बन बॉम्ब। मतलब हसदेव जैसे यदि उसके जंगल काटने के बाद वहां का कोयला निकाला जाए पूरा और जलाया जाए तो सिर्फ उससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इतना उत्सर्जन होगा जो आपको क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, पूरी दुनिया का क्लाइमेट सिस्टम को बिगाड़ने के लिए ऐसे कुछ कार्बन बॉम्ब काफी है। वही कागज झरा के ले जाती थी कलेक्टर साहब झोंके निकाले तो कहां से आए हो? घाट पर विकास खंड उदयपुर ग्राम घाट पर। तो उस दिन ग्राम सभा था तो नहीं थे का? मैं बोला ना साहब, आप लोग 5 बजे गए तो हम 5 बजे महिला पुरुष को, महिला मन को नहीं रह सकन,
खाना बनाना रखे और वो मुर्गी है, छेरी है, बकरी है, सब चीज़ है, गाय बछी है, हम अनोखर तुझा में रखें। वो समय कलेक्टर कहाँ बोले, जाओ बार बार मांगते रहो ग्राम सभा नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है मतलब सरकार भी कंपनी के साथ में खड़ा होके मतलब पूरे जंगल को विनाश करना चाहती है। जो जितने लोग जो बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको आप कस्टडी में रखो, उनको दबाओ और फिर पेड़ काटो। निवेदन निवेदन जो भी होता है सब चीज़ हो चुका है, जिससे जहाँ जहाँ आवेदन निवेदन करना था हो चुका है, बचा ही क्या है। आवेदन के बाद दे देना धन। आदमी भी तो एक सोचता है ना भाई, ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे, क्यों ना लड़के मरे। फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो जो अभी पेड़ कटाई हुआ है ना वो कोयला को ले जा करके देखिए कैसे ले जाएगी। रेलवे लाइन हम लोग बच जाएंगे तो कहाँ से लेकर हवाई जहाज में लेकर थोड़ी ना आएगा। अपना जनता का लाठी गोली जिसका बेदिला रावण।